अजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में एक रिस्क वाली फीलिंग आती है। रिस्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना चाहूंगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज में या तो सेफ्टी होती है या फिर वो डेंजरस होती है। रिस्क नाम की कोई चीज हकीकत में होती ही नहीं है। अब आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा कि रिस्क वाली चीज अगर होती ही नहीं है तो ये रिस्क शब्द आया कहां से? चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि कोई चीज सेफ है, इसका मतलब ये कि वो 99% काम हो जाएगा, 1% भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत कि मान लीजिए किसी चीज में डेंजरस है, इसका मतलब ये कि 99% वहां पर मरना ही है, 1% अगेन भगवान पे छोड़ देते हैं। शुरू से ही हमें ऐसे लगता है कि डेंजरस ये जो शब्द है यही रिस्क है। हकीकत में ऐसा नहीं है, और गहराई में आपको लेके चलता हूं। अब मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट रखूंगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट को आपने बहुत ध्यान से सुनना है और इसे बहुत ध्यान से समझना भी है। स्टेटमेंट नंबर वन, मान लीजिए कि कोई चीज बहुत सेफ है लेकिन आपको इसका अंदाजा नहीं है कि वो सेफ है या डेंजरस है, तो अब आप इसे रिस्की कहोगे। स्टेटमेंट नंबर टू, मान लीजिए कि कोई चीज डेंजरस है लेकिन आपको इसका अंदाजा नहीं है कि वो चीज डेंजरस है या सेफ है, अब आप इसे भी रिस्की कहोगे। दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू से एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये कि सेफ चीज भी रिस्की हो सकती है और डेंजरस चीज भी रिस्की हो सकती है। तो रिस्क की डेफिनेशन ये निकलती है कि अगर किसी चीज का हमें नॉलेज नहीं है तो वो चीज रिस्की है। चलिए, रिस्क की डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई, अब इसे एक एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई आपको ये बोलता है कि ये काम को मत करना क्योंकि इस काम में रिस्क है, तो आपने ये समझना है कि वो इंसान आपसे ये कह रहा है कि ये काम नहीं करना क्योंकि उसे नहीं पता कि ये काम सेफ है या डेंजरस है। अब आपने इस चीज का पता लगाना है कि वो काम सेफ है या डेंजरस है। अगर आपके पता करने से आपको ये पता चलता है कि वो काम डेंजरस है तो आपने उस काम को अवॉइड करना है, और आपके पता करने से आपको ये पता चलता है कि वो काम सेफ है तो आपको वो काम करना चाहिए, अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो। बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।